सुदामडी मेन कॉलोनी स्थित रिक्रेशन क्लब प्रांगण में सोमवार को बीसीकेयू के एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बीसीकेयू के केंद्रीय संयुक्त सचिव निताई महतो उपस्थित रहे। इस दौरान जनता मजदूर संघ कुंती गुट के पूर्व केंद्रीय संगठन सचिव संजय सिंह ने अपने एएसपी कोलियरी के लगभग सैकड़ों समर्थकों के साथ बिहार कोलियरी कामगार यूनियन का दामन थामा। निताई महतो ने सभी को माला पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लाल झंडा हरदम मजदूरों की भलाई के लिए बराबर आंदोलन करते आया है, मजदूरों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। बीसीक्यू में शामिल हुए संजय सिंह ने कहा कि मजदूरों के साथ उस वक्त भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर समस्या के लिए खड़ा रहता था और आज भी उनके साथ सुख और दुख में शामिल होकर उनके हर समस्या का निदान करने में पीछे नहीं रहेंगे, हर संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। कई वर्षों से हम अनुभव करते आ रहे हैं कि जनता मजदूर संघ का जो क्रियाकलाप था उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हम लोग जनता मजदूर संघ भी लाल झंडा ट्रेड यूनियन है, एचएमएस से एफिलिएटेड है, और लाल झंडा का जो क्रियाकलाप होना चाहिए मजदूरों के प्रति उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। जो संघर्ष की भावना और त्याग की भावना लाल झंडियों में होनी चाहिए वहाँ फर्क होते जा रहा है, और इसलिए वहाँ मजदूर हित से ज़्यादा स्वहित पर ध्यान दिया जा रहा था। और इसी सब कारणों से हम अजीज होकर के अपने सारे समर्थकों के साथ जनता मजदूर संघ में छोड़ते हुए बीसीक्यू के साथ, क्योंकि ये भी लाल झंडा है और हमारी प्रवृत्ति लाल झंडा का नेतृत्व करने का, लाल झंडा के समर्थक बनने का पुराना रहा है। हम अपने स्कूल लाइफ में DAYFI किया करते थे, कालांतर में हम जनता मजदूर संघ, चूँकि पारिवारिक सौगात मिली, वहाँ का भी क्रियाकलाप अच्छा लगा, उस दिन तक चला, लेकिन कालांतर में हमको लगा कि अब ये लोग भटक चुके हैं। जो लाल झंडा का नेतृत्व का सोच होना चाहिए उस सोच से ये लोग विपरीत चले गए। लाल झंडा की सोच गरीब मजदूरों के लिए संघर्ष करना, न कि अपने आपको सामर्थ्यवान बनाना है। इन्हीं सब सोचों के साथ हमने वहाँ से त्यागपत्र देते हुए अपने संपूर्ण समर्थकों के साथ बीसीक्यू का दमन किया।